आर यू न्यू टू यूपीएससी? क्या आप यूपीएससी की तैयारी अभी अभी शुरू कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर यू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड आई एम आंचल झुंझुनवाला एंड आई एम एन एक्सपर्ट ऑन यूपीएससी मेंटोरिंग। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, वो ये है कि आप अपना सिलेबस यूपीएससी का देख लें, उसे प्रिंट कर लें और उसे हमेशा अपने साथ रखें। सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, वो ये करते हैं कि उन्हें यूपीएससी का सिलेबस ही पता नहीं होता है। वो अननेसेसरी चीज़ों पर अपने टाइम वेस्ट करते हैं और ऐसे टॉपिक्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि आप यूपीएससी की सिलेबस पढ़ लें, उसका प्रिंट आउट ले लें और नेक्स्ट 15-20 डेज तक एटलीस्ट उसको मगअप करने की कोशिश करें, हमेशा उसे अपने पास रखें। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी आप अपना करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करेंगे तो ये होगा कि आप अपना टाइम अननेसेसरी के टॉपिक्स पढ़ने में नहीं लगाएंगे, आप ऑन ट्रैक रहेंगे और आपका टाइम बहुत सेव होगा। सो यस गाइज, दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट दैट प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस ऑफ यूपीएससी शुड ऑलवेज बी विथ यू। उसको आपको ध्यान में रखना है, मगअप कर लेना है और कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी है जो आपके सिलेबस से मैच नहीं होती है, राइट? अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, वो ये है कि हमें पास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं जनरल स्टडीज़ के और प्रीलिम्स के, उसे हमें जाके रेफ़र करना है। ऑनलाइन जाएंगे, हम क्वेश्चन पेपर्स देख लेंगे तो उससे हमें ये पता चलेगा कि यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है एग्जामिनेशन में। जब हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है एग्जामिनेशन में, तो इससे एडवांटेज ये होगा कि हम फिर से अपनी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में कर पाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम कोई भी अननेसेसरी के टॉपिक्स पढ़ेंगे नहीं। सो यस गाइस, पहली चीज़ सिलेबस प्रिंट आउट करके रखना है, दूसरी चीज़ पास्ट के क्वेश्चन पेपर्स प्रीलिम्स के सेपरेटली देखने हैं, जनरल स्टडीज़ के सेपरेटली देखने हैं, क्वेश्चंस एनालाइज करना है और देखना है कि यूपीएससी कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछ रही है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रही है, ताकि हमारा टाइम कहीं भी वेस्ट ना हो प्रिपरेशन करते वक्त। लेट्स कम टू द थर्ड थिंग जिसका हमें ध्यान रखना है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, वो है एनसीईआरटी की बुक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि मैडम हम कहाँ से यूपीएससी की तैयारी शुरू करें? तो मेरा ये सजेशन है कि आप शुरू करें एनसीईआरटी की किताबें लेके। क्लास 6 से क्लास 12th तक की बुक्स आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की। इसमें बस एक मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि क्लास 6 स्टैंडर्ड जो बहुत ही बेसिक है उस पर भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि क्लास 6 टू क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, वो सिर्फ आपका फाउंडेशन बनाने के लिए है, आपका बेसिक्स क्लियर करने के लिए है। क्लास 10th टू क्लास 12th पे आप ज़्यादा फोकस करें, एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ें, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है क्योंकि इससे आपका बेस जनरेट होगा। प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स में से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी पे तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको एक पेंसिल लेके बैठना है। जी हाँ, पेंसिल, पेन नहीं यूज़ करना है, पेंसिल लेके बैठना है। जब आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, आपको अंडरलाइन करते जाना है, जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है आपको अंडरलाइन करते जाना है। नोट्स नहीं बनाने हैं फर्स्ट रीडिंग में, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग है, आप तो अपना बेस अभी बना रहे हो, अभी तो आपको ही बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है सिलेबस के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, राइट? इसलिए आपको सिर्फ अंडरलाइन करनी है चीज़ें जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगती है फर्स्ट रीडिंग में। जब आप सेकेंड थर्ड टाइम रीड करेंगे तब आप पेन
पेन लेके बैठेंगे और इरेजर लेके बैठेंगे। इरेजर से आप वो सारी चीज़ें मिटा देंगे जो आपने फर्स्ट टाइम में मार्क की है, लेकिन सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग के वक्त आपको अनइम्पॉर्टेंट लग रही है। आपको लग रहा है कि अरे फर्स्ट रीडिंग में तो मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया था, लेकिन अब सेकंड रीडिंग के वक्त आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अब उनको इरेज कर देंगे। एंड हाइलाइटर से ओनली द लेफ्ट ओवर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, जो बाकी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बचे हैं उसको आप हाईलाइट कर देंगे, राइट। ये हो गई आपकी थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 6 to 12 तक की पढ़नी है। 6 to 9 बहुत फटाफट आप कंप्लीट कर देंगे बिकॉज ये बहुत बेसिक है। क्लास 10th, 11th and 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़नी है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ चीज़ पे, जिसका हमें ध्यान रखना है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त। तो ये एनसीईआरटी के पॉइंट से रिलेटेड है। एनसीईआरटी की आप तैयारी कर रहे हैं तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम हम क्लास वाइज एनसीईआरटी प्रिपेयर करें या सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी प्रिपेयर करें। क्लास वाइज का मतलब है कि उन्हें ये डाउट होता है कि मैडम हम क्लास 6 की एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ कर लें, फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी एक साथ कर लें, फिर क्लास 8 की सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ करें, एंड सो ऑन। या फिर हम से फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की एनसीईआरटी लें, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटी एक साथ ख़त्म कर दें और सब्जेक्ट वाइज एक एक एनसीईआरटी ख़त्म करें। ये एक बहुत कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट्स का। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक सब्जेक्ट उठाएं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आप एक सब्जेक्ट उठाएं, उसको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक पूरा ख़त्म कर दें एक साथ, और फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाएं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत सेव होगा, क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में आपको चीज़ें याद होगी कि इसके बाद ये चीज़ हुई, इसके बाद ये चीज़ हुई, इसके बाद ये चीज़ हुई। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप इंटरलिंक कर पाएंगे सब्जेक्ट्स को, जब आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी एक सब्जेक्ट की, राइट। तो सजेशन ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी ख़त्म करें, 6th standard to 12th standard पहले हिस्ट्री ले लें, फिर ज्योग्राफी ले लें, पॉलिटी ले लें, ऐसे सीक्वेंस में एक 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 सब्जेक्ट ख़त्म करें और फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएं। सो एनसीईआरटी की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यूपीएससी की तैयारी करते वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको डाउट होता है कि मैम हम कौन सा न्यूज़पेपर रेफ़र करें। तो मेरा ये सजेशन है कि आप दो न्यूज़पेपर रेफ़र करें। एक न्यूज़पेपर आपका होगा जो मेन न्यूज़पेपर होगा, और दूसरा न्यूज़पेपर होगा आपका सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर। पहला न्यूज़पेपर आपका जो मेन न्यूज़पेपर होगा वो होना चाहिए इंडियन एक्सप्रेस, एंड द सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर जो आपका है वो होना चाहिए द हिंदू। अब द इंडियन एक्सप्रेस क्यों रेकमेंड कर रही हूँ मैम? इंडियन एक्सप्रेस मैं इसीलिए रेकमेंड कर रही हूँ बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत ही बैलेंस्ड न्यूज़पेपर है। उसमें पॉजिटिव ओपिनियन भी दिया जाता है, क्रिटिकल ओपिनियन भी दिया जाता है, इस तरीके से वो बहुत ही बैलेंस्ड न्यूज़पेपर है। साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ कवर किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट मिलेगा आपको इंडियन एक्सप्रेस एज़ कम्पेयर टू एनी अदर न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अच्छा, द हिंदू बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, डेफिनेटली आपको भी द हिंदू पढ़ना है, उसका एडिटोरियल पढ़ना है, लेकिन एक सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर के तरीके से ही पढ़ना है, उसको अपना मेन न्यूज़पेपर नहीं बनाना है। अच्छा, इसमें और एक डाउट आता है ये कि कितना टाइम हम लोग स्पेंड करें न्यूज़पेपर प्रिपरेशन के लिए। तो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको स्पेंड नहीं करना है न्यूज़पेपर प्रिपरेशन के लिए। 2 घंटा मोर देन इनफ है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रोज़ पढ़ें न्यूज़पेपर, उसमें से रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें। रेलेवेंट चीज़ें आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप क्वेश्चन पेपर्स देख चुके होंगे, जब आपको पता होगा कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या है। इसीलिए प्रीवियस पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए उसके बेसिस पे जब आप सिलेबस देख लेंगे, जब आपको ये पता होगा कि किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तब आपको न्यूज़पेपर में से रेलेवेंट कंटेंट पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान में रखें कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप बस 2 घंटा ही न्यूज़पेपर पढ़ें, रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें,
इंडियन एक्सप्रेस आपका मेन न्यूज़पेपर बना ले और द हिंदू को एक सप्लीमेंट्री न्यूज़पेपर के तरीके से एडिटोरियल पढ़ के यूज़ करें। सिक्स्थ चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है यूपीएससी की तैयारी करते वक्त, वो ये है कि न्यूज़पेपर तो हमने पढ़ लिया, अब जो करंट अफेयर्स की मंथली समरीज अवेलेबल होती है मार्केट में, क्या उसे हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सिक्स्थ सवाल आता है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो जी हाँ, आपको ये पढ़ना है। जो भी मंथली समरीज आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनसाइट्स ऑन इंडिया, इनकी मंथली समरी आप जाके पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने समराइज़ किया हुआ होता है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रेलेवेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स के लिए। इनसाइट्स ऑन इंडिया के साइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि एक बार तो आप न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपने शायद मिस आउट कर दी हो, तो वो आपकी इस मंथली समरी में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसका डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा जब आप ये मंथली समरी पढ़ेंगे। और जब आप ये मंथली समरी पढ़ेंगे तब आपको इंटरलिंकिंग ऑफ द वेरियस न्यूज़, जो भी बहुत सारी न्यूज़ आई है इस पूरे मंथ में, उसका इंटरलिंक करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इनसाइट्स ऑन इंडिया पे जाएं और इनकी मंथली समरी जो आती है वो ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। ओके, सेवेंथ चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है आज यूपीएससी की तैयारी करने से पहले, वो ये है कि आप अपना एक बैकअप प्लान रेडी कर लें। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रेस में अपना एग्ज़ाम ख़राब कर लेते हैं कि अरे सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होने वाले हैं तो हमारा क्या होगा, हम क्रैक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अगर आप एक ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से पास करें और एक बैकअप प्लान रेडी कर लें। अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लें और 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करें। इसका क्या एडवांटेज है? इसका पहला एडवांटेज ये है कि आप बहुत स्ट्रेस फ्री तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। जब आपके पास एक बैकअप प्लान होगा दिमाग में तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। सेकेंड एडवांटेज ये होगा कि जब आप वर्क एक्सपीरियंस लेके आएंगे तो आप एक बहुत मैच्योर्ड माइंडसेट से आएंगे, राइट? एक पर्सन जो काम करके आया है इंडस्ट्री में, उसका माइंडसेट बहुत ही मैच्योर्ड होता है, तो आप इंटरव्यू के लिए बहुत मैच्योर्ड बन जाएंगे, आप एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए काफ़ी मैच्योर्ड हो जाएंगे, राइट? तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि आप जब अपना आंसर्स लिख रहे होंगे एग्जामिनेशन में, तो ये होगा कि आपके आंसर्स में आपकी मैच्योरिटी दिखेगी। ये कैसे? जब आप काम करते हैं, जब आप वर्क एक्सपोजर के लिए जाते हैं, तब आपका एनालिटिकल माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो चीज़ आपके आंसर्स में भी दिखेंगी। इसीलिए सेवेंथ सजेशन, सेवेंथ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि आप अपना एक बैकअप प्लान ज़रूर रेडी रखें यूपीएससी की तैयारी करने से पहले। अच्छा, अगर इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साथ साथ तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें 2 साल, बहुत अच्छे से आपका होल्ड बना लें न्यूज़पेपर पे, करंट अफेयर्स पे, कुछ रेलेवेंट वीडियोस देखते रहें, और फिर 2 साल काम करने के बाद 1 ईयर का ब्रेक ले लें, फुल फ्लेज प्रिपरेशन करें यूपीएससी की और फिर एग्जामिनेशन के लिए जाएं। इसके एडवांटेजेस तो आप देख ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं, सो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप एक बैकअप प्लान के साथ जाएंगे इस एग्जामिनेशन में, राइट? अगली चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है वो ये है, पॉइंट नंबर 8, मल्टीपल सोर्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं एग्ज़ाम शुरू करते वक्त कि एक ही टॉपिक के लिए 10 किताबें ले आएंगे, 10 बुक्स ले आएंगे, 10 अलग अलग जगहों से उसकी तैयारी करेंगे। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि इट इज़ नॉट अबाउट 10 बुक्स वन टाइम रीडिंग, इट इज़ अबाउट 1 बुक रीडिंग 10 टाइम्स। आपको एक बुक को 10 बार रिवाइज करना है,
ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना है। इससे क्या होगा, जब आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी आने लगेगी, वो चीज़ें आपके आँखों के सामने आने लगेगी जब आप उस टॉपिक के बारे में सोचने लगेंगे, जब आप एक्चुअली उसके आंसर्स लिख रहे होंगे, तो जहाँ आपने उस बुक में से जो पन्ना पढ़ा है, जो पेज पढ़ा है, वो आपके आँखों के सामने आने लगेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे, ना कि बहुत सारी बुक्स से सेम टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप एक ही टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप एक टॉपिक मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने सोर्सेज बहुत केयरफुली सिलेक्ट करने हैं। शुरुआत करने के पहले ही आप रिसर्च कर लें अच्छे से कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसी पर टिके रहें, उसी को फॉलो करें और हर एक टॉपिक उसी बुक से पढ़ें। कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए आप कोई दूसरा मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें अगर आप 2-3 मटेरियल से पढ़ेंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, तो ये आप नहीं करें। इससे आपका टाइम सेव होगा, एक ही मटेरियल रेफ़र करें, अच्छे से रेफ़र करें। ओके, नाइन्थ थिंग दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस टूडे, नौवीं चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है आज, वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अरे जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, जो ऑल इंडिया रैंक 2 है, या जो फर्स्ट 100 में भी आए हैं, वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, कभी उनके जर्नी में लो पॉइंट नहीं आता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट, हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब उसे ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे तैयारी नहीं होगी, अब मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होगा। डिफरेंस यही आता है कि जो लोग पास होते हैं वो फिर भी प्रिपेयर करते रहते हैं, ऐसा फेज आने के बावजूद प्रिपेयर करते हैं। दे डोंट गिव अप, दे शो अप। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, यू हैव टू शो अप। आपको एटलीस्ट बेसिक मिनिमम चीज़ें उन दिनों में करनी हैं जब बहुत ज़्यादा लो फील करें, जब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं, तो बेसिक मिनिमम चीज़ें करें। बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें ना करें उस दिन, नया सब्जेक्ट, नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ें उस दिन में। आप क्या कर सकते हैं, बेसिक मिनिमम न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है डेफिनेटली, वो तो रोज़ करनी है, ये बेसिक मिनिमम है। दूसरी चीज़ें, आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं, राज्यसभा टीवी देख सकते हैं, या रेलेवेंट वीडियोस देख सकते हैं यूपीएससी की तैयारी के रिलेटेड, या फिर आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने मेरा दिन वेस्ट नहीं किया, और कुछ एडिशनल वैल्यू एडिशन आप कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, राइट? सो जब भी आपको लो पॉइंट आए, याद रखिए कि हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट के जर्नी में ये लो पॉइंट आता ही है, तो इसको देख के बुरा नहीं फील करें। इनफैक्ट यू शुड डू समथिंग द बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड ऑन दोज डेज। यस, लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है आज के इस वीडियो में, वो ये है ब्रेक्स लेने का इम्पोर्टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, अरे 10-15 घंटे कंटिन्यू बस पढ़े जा रहे हैं, कंटिन्यू बस पढ़े ही जा रहे हैं विदाउट अ ब्रेक। आपको पता है इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपकी एनर्जी ज़ीरो लेवल पे हो जाएगी और प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होगी। तो प्रोडक्टिव स्टडी करने के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई करें। 1-1.5 घंटा हो गया, 5-10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, फिर आ गए पढ़ाई करने, 1-1.5 घंटा हो गया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर आ गए आप तैयारी करने। ऐसे दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक्स आपको लेते रहना है ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। साथ ही साथ आपको एक वीकली ब्रेक लेना है। वीकली ब्रेक लेने के लिए आप एक डे फिक्स कर लो, संडे फॉर एग्जाम्पल, फिक्स योर संडे दैट आई विल गो एंड मैं आज फ्रेंड्स या फैमिली के साथ एक डिनर करके वापस आ जाऊँगा। 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का ब्रेक आप एवरी संडे को ले सकते हैं, उतना आपके यूपीएससी प्रिपरेशन
अलाउ करेगी अगर आप कंसिस्टेंटली ऑन एवरी वीकडे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 to 10 hours की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो संडे को 1.5-2 घंटे का ब्रेक आप अफोर्ड कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो डेफिनेटली ब्रेक लीजिए ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो और आप मोटिवेटेड रहें एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। सो यस गाइस, ये थे 10 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं यूपीएससी की तैयारी करते वक्त। आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपकी यूपीएससी की तैयारी में आपकी और मदद करेगा। टिल देन बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।